बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को किए मास्क वितरित। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, डॉक्टर अहमद मुर्तजा, राजपाल सिंह सैनी, चरण सिंह सागर, इंतजार अंसारी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर उनको नमन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने लोगों को मास्क वितरित किए। कहा कि आज भारत के संविधान के निर्माता गरीबों के, कमजोरों के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के, मसीहा, सामाजिक एवं धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध लड़ने वाले भारत रत्न प्राप्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के इस अवसर पर मैं जनपद अमरोहा वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस समय देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत सरकार ने यह निर्णय देश की सम्मानित जनता जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लिया है। मैं लॉकडाउन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और अमरोहा वासियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब की जयंती सभी लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए दिए जलाकर व पुष्प अर्पित कर अपने घरों में मनाएं। संविधान के वास्तुकार, भारत रत्न प्राप्त, गरीबों के, मजदूरों के, शोषितों के, वंचितों के और सामाजिक एवं धार्मिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम समस्त कांग्रेसजनों ने बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया है और मैं समस्त जनपद वासियों अमरोहा को बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप देश में चल रहा है, उसी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और जनपद अमरोहा में भी लॉकडाउन है। आज फिर भारत सरकार ने इस लॉकडाउन को बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता की सुरक्षा के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। मैं उसका समर्थन करता हूँ और जनपद अमरोहा की सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि बाबा साहब की जयंती मनाएं, सब लोग अपने घरों में मनाएं, दिए जलाएं, पुष्प अर्पित करें और घरों में रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। धन्यवाद।